सियासी गलियारों के बड़ी चर्चा हैगी आ कि डॉक्टर गांधी कांग्रेस वालों आने वाले समय के 2024 के एम पी की चोण पटियाले तो लड़न जा रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत हैगी है। मैं असल च मैं जी पार्लीमानी सियासत है उन्होंने मैं अलविदा कह चुका है एज पक्षों भी सेहत पक्षों भी तो जी मेरी लिमिटेशन है वो पक्षों भी कि मैं कांग्रेस की मैं वालों चोण नहीं लड़ूंगा किसी वालों भी चोण नहीं लड़ूंगा और इस गल नहीं कि मैं सियासत नहीं होऊंगा सरगर्म नहीं होऊंगा मैं जिथे भी मैंने लग्या कि भाई इतने मेरी लोड़ हैगी है और जिथे भी लग्या कि जी फाशीवादी केंद्रीय हुकूमत है जी हिंदू राष्ट्र का स्लोगन लैके आई है और जी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है जी सारे मुल्क के असासियों अडानिया को बेच रही हैगी है जी मतलब एक पोलीटिकल डिकटेटरशिप के तौर पर काम कर रही हैगी है उन्होंने हराने वास्ते जिथे मेरी लोड़ हुई मैं उत्थे जाऊँगा और कांग्रेस की मदद करूँगा है। नवजोत सिद्धू की पत्नी के वालों पिछे जो बयान आया कहते कि मैं इतों चोन लड़न के लिए तैयार हैगी जेकर मैनूं मौका दिता जे मैं कांग्रेस कहिंदी है तां तुसीं उहनां दी साथ दोगे बिल्कुल मैं साथ दूंगा और मैं चाहूंगा कि इत्थों पटियाले दे चोन लड़न और जे उह चोन लड़नगे और सिद्धू साहब ते साडे वर्गे सारे बंदे उहनां दी पिट्ठ ते होणगे तां लाजमी तौर ते जी सीट है कांग्रेस दी झोली जाऊगी पटियाले वाली। ते तुसीं कहा कि मैं पार्लीमेंटरी जिहड़ी पाबई दे पंजाब तों बाहरली जिहड़ी सियासत आ उहतों अलविदा कह चुके आ मेरी सेहत इजाजत नहीं दिंदी पंजाब दे विच गांधी होणां दा की रोल रहूगा। मैं हिंदुस्तान की सियासत भी हिस्सा लूंगा मैं भारत जोड़ो यात्रा च मैं कन्याकुमारी भी गया मैं इत्थों भी सरहंद तों फतेहगढ़ साहब की यात्रा की है मैं कश्मीर भी गया मैं श्रीनगर भी गया है वो भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान लैवल की एक्टिविटी सी कांग्रेस की है उत्थे मैं शामिल रहूंगा एक भारत जोड़ो अभियान के रस्ते जोगिंद्र यादव या होर जो प्रशांत भूषण जी है होर बहुत सारे हजारा बुद्धिजीवी ने जो कांग्रेस की मदद से आए हैं कांग्रेस में नहीं आए कांग्रेस ज्वाइन नहीं की कांग्रेस सिर्फ इतिहासक मोड़ से जो मुल्क की किस्मत एक बहुत ही खतरनाक एक एक अध्याय लिखा जा रहा है हिंदुस्तान के भारतीय रिपब्लिक के इतिहास में भारतीय तंत्र गणतंत्र के इतिहास में तो वह जो रोल है एक बुद्धिजीवियों का रोल है एक इनलाइटन जो बंदे जिन्होंने माड़े मोटे पढ़न लिखण का मौका मिले जी चीजा अगाऊ भाप सकते हैं उन्होंने रोल है मानते हुए मैं हिंदुस्तान पर जे कांग्रेस कह दिंदी है कि गांधी होरी पटियाले तो एम पी ना उन्होंने कहना चाहिए ना उन्होंने मेरी जी स्पिरिट हैगी है जो मेरी भावना हैगी कदर करनी चाहिए हैगी है सगो उल्टा है जेकर मैं कांग्रेस के हक की गल कांग्रेस बिच जाकर करूंगा ना लोगों ने कहना भौंकना ही है कांग्रेस इन्हें टिकट मिली हुई है सगो हिस्सा लेंगे खूबसूरत खूबसूरती है कि तुम कांग्रेस को कख नहीं लेना ना लोग सभा ना राजसभा ना प्रधानगी ना कोई जिले की प्रधानगी ना सिराज जी तुम कख नहीं लेना स्टिल सपोर्ट करना कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट करना देश की लड़ हैगी है मनुखता की लड़ है घट गिनतियां की लड़ है दलतों की लड़ है आदिवासियों की लड़ है औरतों की लड़ है देश की जमहूरीयत की लड़ हैगी है तो की लगता कि पंजाब कांग्रेस की गल करिए किहड़ा लीडर तुहाडे समझ सियासी समझ के अनुसार जां जे तुसी हाई कमान नूं राहुल गांधी होना तुसी मिलदे रहिंदे हो जे उन्हां नूं सुझा देना होवे कि ए जिहड़ा लीडर जिहड़ा ओह पंजाब कांग्रेस नूं अगे ले जा सकदा मैं इदां दा रोल कदी नहीं निभाऊंगा कि मैं पंजाब दे लीडर बारे कोई नैगेटिव या पॉजिटिव गल राहुल गांधी होर नूं करना हैगा मैं तो सिर्फ कांग्रेस का सहायक के तौर पर एक असिस्टेंस के तौर पर मदद करने के तौर पर वह भी एक देश के बड़े प्रसंग में हिस्टरी के इतिहास के बड़े प्रसंग में कि जो देश एक खास दिशा वाल धक्या जा रहा है देश दियां जो शानदार रवायतां सीगियां प्लूरलिज्म दियां सैकुलरिज्म दियां डेमोक्रेसी दियां वो कट्टे रोलियां जा रही उन्होंने पिछल मोड़ा दिता जा रहा और 18वीं सदी का हिंदुस्तान 17वीं सदी पंजाब सिरजिया जा रहा है तो अजिहे मौके मैं कांग्रेस की एक मदद आया है पर मैं कांग्रेस की अंदरूनी मामले दखल इस तरह कभी भी नहीं दूंगा जिहड़ा लीडर चंगा मैं लगता टीम बननी चाहिए हैगी है टीम के बाद जो मौका को आऊगा तो कुदरती गल है जो बंदा मेहनत करेगा जो दूरदर्शता दिखाऊगा जो टीम स्पिरिट ना काम करेगा वो कुदरती नैचुरल लीडर होगा कांग्रेस का पार्टी का भी होगा तो लोगों का भी नैचुरल लीडर बन जाऊगा।